अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ शबान चिश्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं चनार बाग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। ये मेरी बैक साइड पे अगर आप देखें, इसकी मेन एंट्रेंस है। इस सोसाइटी के ऊपर मैं पहले भी वैसे तो व्लॉग रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी किसी डीलर के पास जाके प्लॉट्स की प्राइसेस बताई जाएँ, प्रॉपर जो सूरत हाल चल रही है उससे आपको आगाह किया जाए। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कस करेंगे चनार बाग हाउसिंग सोसाइटी को, ये कहाँ पे वाकिया है, ये कहाँ पे है और इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स गो। अब मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये अगर आप देखें तो ये जो रोड जा रही है ये मेन ड्राइविंग रोड है और इसके बिल्कुल अपोजिट थोड़ा सा आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा बैरिया ऑर्चर्ड। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड आ जाएगा और इससे पहले अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी आ जाएगी जो कि रायवन रोड के ऊपर वाकई है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा साथ ही सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। ये इसकी एंट्रेंस है, बड़ी अच्छी एंट्रेंस है। अगर आप देखें तो ये सोसाइटी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है और इसका अगर प्रॉपर नाम लिया जाए तो ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है दी सेंट्रल लाहौर, दी ग्रेटर लाहौर के नाम से इसका शायद इसका जो नाम है और चनार बाग इसको कहा जाता है इस सोसाइटी को। ये इसकी एंट्रेंस है ना मेन? जी जी ठीक है। पाँच मरला, दस मरला, किनाल, दो किनाल की कटिंग है यहाँ पे। ये येलो पाँच मरला है? हाँ जी, येलो पाँच मरला है। ये हमारी यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस आठ लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। ये स्किन कलर दो किनाल को शो करेगा, पर्पल ये सारा एक किनाल है, ब्लू कलर ये शो कर रहे हैं कि ये घर बने हुए हैं, ये हाईलाइट किया हुआ जो है, येलो ये पाँच मरला है और रेड कमर्शल को शो कर रहे हैं, ग्रीन ये पार्क को शो करेंगे। क्या रेट है पाँच मरले का यहाँ? पाँच मरले का सर अगर ऑन पोजेशन की तरफ जाते हैं तो वो आपको मिलेगा कोई 30 से स्टार्ट होगा और आई थिंक 45-50 की ब्रैकेट में जाए। 30 से कम से कम 30 से स्टार्ट होता है ये तो। इसका यहाँ पे नाला भी गुजर है ना? एक ये पॉकेट है, ये कश्मीर ब्लॉक के साथ बैरी ऑर्चर्ड लग रहा है और एक ये पॉकेट है, पंजाब एक्सटेंशन है और इसकी झेलम एक्सटेंशन। इधर तो सुना कोई मॉर्गेज भी हैं प्लॉट्स वगैरह? नहीं नहीं, मॉर्गेज ये पाँच मल्ला जितना भी एरिया है सारा ये नॉन अप्रूव है, एलडी से अप्रूव नहीं है। यानी घर बना सकते हैं? प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है घर बना, दो दो कनाल में बने हुए नॉन अप्रूव एरिया में। तो 30 लाख वाला जो प्लॉट है वो पीछे जाके, 30 वाला जो प्लॉट ना वो ऐसा ही समझ लें कि थोड़ा सा हट के अब बाउंड्री वॉल पे आएगा और जो 45-50 की ब्रैकेट के हैं, बल्कि अंडरफिट रोड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 60 तक भी मिलेगा, अंदर वाली पट्टियाँ मिलेंगे। यहाँ पे एक प्लॉट है 417 नंबर, ये 6 मरला है, 50 आस्किंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वैसे तो मार्केट काफ़ी नीचे आई हुई है सुना है प्रॉपर्टी की, रेट शेड नीचे आए हैं ओवरऑल तो मार्केट को, लेकिन ये तो पहले ही यहाँ पे रेट मुनासिब है। अच्छा, कनाल फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे रेट्स का ज़्यादा? कनाल यहाँ पे आपको 75-80 की ब्रैकेट में मिल जाती है, 80 से स्टार्ट होती है, 75 से और 120 की ब्रैकेट में, 120 के अंदर अंदर कनाल मिल जाती है। दस मरला करता है लोकेशन, दस मरला ना होने के बराबर है ये कुकिंग का, ये यहाँ पे कुछ 60-65 की ब्रैकेट है। बिजली का क्या हिसाब है? बिजली पानी का क्या? बिजली वार्ड है, सोसाइटी पानी प्रोवाइड करेगी, पानी प्रोवाइड कर रही सोसाइटी। सही है सही है। कमर्शियल अंदर कोई मार्केट या इस तरह की है? सारा ये कमर्शियल यहाँ पे, ग्रोसरी बैठी हॉस्टल बने हुए कमर्शियल? हाँ कमर्शियल बने हुए हैं, ये जो मेरे का ब्लू वाले हैं वो बने हुए हैं। हाँ ये हाईलाइट हो गया, लेकिन ये मैप पुराना है, मज़ीद ज़्यादा जो ना बन ज़्यादा बन गया। तो कितना की एरिया होगा इस सोसाइटी का? ऑलमोस्ट 4000 प्लॉट है ये। बात करें तो ये सोसाइटी अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तब भी बहुत अच्छी लोकेशन है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत मुनासिब है कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़ जो यहाँ पे नज़दीक हैं। रायवन रोड की मेन लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल हर फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
जो ब्लॉक्स LDA से अप्रूव्ड हैं उसका भी आपको बता दिया, और जो नॉन अप्रूव्ड हैं उनका भी मैंने आपको बता दिया। गैस की बात करें तो सुई गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर के अंदर वैसे ही कनेक्शन इस वक्त क्लोज हो चुके हुए हैं। ये इसकी मस्जिद है, काफ़ी अच्छी है, और उसके साथ पार्क है, काफ़ी वसी है, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये आगे जो रास्ता जा रहा है ये मज़ीद ब्लॉक्स कनेक्ट करेगा और कमर्शियल एरिया की तरफ जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे कमर्शियल की भी फैसिलिटीज़ आपको मौजूद हैं और अवेलेबल हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दो, और वीडियो को लाइक करके अपनी कमेंट में भी बताएँ कि वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।